रुड़की के शामपुर गांव में दो दिन पहले हुए सिंगल मर्डर और दो घायलों को लेकर मामला उस समय तोल पकड़ता गया जिस समय विकास और विक्की की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए खुद पुलिस लेकर गांव पहुंची। यह देखते ही परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगे। वहीं बॉडी की सूचना मिलते ही कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी वहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजे के रूप में मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाए। वहीं मौके पर मौजूद SP देहात मणिकांत मिश्रा ने ग्रामीणों को समझाते हुए 7 से 8 घंटे का समय मांगा और कहा कि आरोपियों को पकड़ जेल भेजा जाएगा, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति दिखाई, जिसके बाद SP देहात मणिकांत मिश्रा ने कुछ ही समय में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SP देहात मणिकांत मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लगभग शाम को झबरेड़ा थाना के शाम को गांव में पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें पहले थोड़ा सा झगड़ा हुआ दोनों पक्षों में, फिर एक पक्ष अपने घर गया और देसी कट्टा और पिस्टल लेके आए और उससे पीड़ित पक्ष पर वार किया, जिसमें एक आदमी के सर पे गोली लगी, उसकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई, दूसरे के हाथ में और एक के सर के पास गोली लगी, दोनों घायल थे। जो घायल हैं वो सुरक्षित हैं और जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका। परिवार वालों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें अपराध पंजीकृत किया गया और कल उन दोषियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभी जो इसमें 2 और व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करना शेष है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट।